बिहार मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या, ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। फिर सामने आया तेज प्रताप यादव का नया अवतार, पीली धोती पहने राधे राधे करते नजर आए लालू के लाल। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी भगवान कृष्ण तो कभी शिव के अवतार में दिखने वाले तेज प्रताप कभी साइकिल चलाते हैं तो कभी घुड़सवारी करते दिखते हैं, कभी मिठाई बनाते तो कभी शंख बजाते हैं। ताजा मामला तेज प्रताप का एक मंदिर परिसर में भक्त के वेश में देखे जाने के वीडियो का है। पीली धोती व सफेद कुर्ते के साथ नेवी ब्लू जैकेट पहने तेज प्रताप के हाथ में माला दिख रही है। बैकग्राउंड में राधा व कृष्ण का भजन बज रहा है। हमलावर हुई बीजेपी, कहा राजद में बगावत शुरू, तेजस्वी सीएम बनने का सपना छोड़ अपनी कुर्सी बचाने की परवाह करें। वरिष्ठ भाजपा नेता पथ निर्माण एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि एनडीए सरकार तो अपना कार्यकाल पूरा करेगी, लेकिन राजद नेता तेजस्वी शायद ही अपना कार्यकाल प्रतिपक्ष के नेता के रूप में पूरा कर पाए। कहा कि उनके दल में बगावत की तैयारी शुरू हो गई है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बनने की नहीं बल्कि अपनी कुर्सी बचाने की परवाह करें। मंगल पांडे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष दिन भर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनका सपना कभी साकार नहीं होने वाला है। मध्यावधि चुनाव की बात तो हास्यास्पद बताते हुए मंगल पांडे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को मालूम होना चाहिए कि सूबे में राजग की मजबूत सरकार है और विकास कार्य को हर दरवाजे तक पहुँचा रही है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष अपने नेताओं और राज्य की जनता को बरगलाने की बजाय अपना कुनबा संभाले। नीतीश सरकार के खास जीतन राम मांझी को भी सही लगी तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी, बोले 2021 में फिर चुनाव को लेकर सहमत। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की हार की समीक्षा बैठक के दौरान तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं से कहा था कि 2021 में कभी भी चुनाव हो सकते हैं, ऐसे में अलर्ट और तैयार रहें। उनके इस बयान पर एनडीए के घटक दल हम के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि 2021 में चुनाव होने की भविष्यवाणी से मैं पूरी तरह सहमत हूं, हालांकि पूर्व ने तेजस्वी यादव की इस भविष्यवाणी को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2021 में विधानसभा चुनाव होने की बात कही है। बल्कि मांझी ने कहा कि चुनाव होंगे, लेकिन वह चुनाव नहीं उपचुनाव होगा। मांझी ने कहा कि अगले साल तक राजद और कांग्रेस के कई विधायक हमारे साथ आ रहे हैं, जिससे उन सीटों पर उपचुनाव होने की पूरी संभावना है। बिहार में ऑड इवन रोल नंबर से स्कूलों में छात्रों को बुलाने की तैयारी। स्कूल में छात्रों की उपस्थिति कम हो, एक साथ सारे बच्चे स्कूल ना बुलाए जाएं, इसके लिए ऑड इवन रोल नंबर के अनुसार छात्र स्कूल आएंगे। कोरोना संक्रमण से विद्यार्थियों को बचाने के लिए स्कूल अपने तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। बताया गया कि हर कक्षा में बेंच डेस्क के बीच 2 से 3 फुट की दूरी रखी जा रही है। स्कूल में जगह जगह हैंड सैनिटाइजर रखे जा रहे हैं। ये तमाम जानकारी स्कूलों द्वारा अभिभावकों को दी जा रही है। बॉल्डविन एकेडमी के प्राचार्य राजीव रंजन ने बताया कि ऑड इवन रोल नंबर के अनुसार शेड्यूल तैयार किया गया है, उसी के अनुसार छात्र स्कूल आएंगे। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के एक सेक्शन में आधे छात्र को एक दिन और बाकी को दूसरे दिन बुलाया जाएगा। स्कूल के प्राचार्य फादर क्रूस्ट ने बताया कि एक सेक्शन में 20 छात्र ही एक दिन में स्कूल आएंगे। बच्चों को सामाजिक दूरी बताने के लिए शिक्षकों की टीम बनाई गई है। डॉन बॉस्को एकेडमी में सारी कक्षाओं में 9वीं से 12वीं तक 7-7 छात्रों को बैठाया जाएगा, जिससे शारीरिक दूरी बनी रहे। ज्ञात हो कि शिक्षा विभाग द्वारा 4 जनवरी 2021 से स्कूल खोलने की घोषणा हुई है। इसके बाद स्कूलों ने तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में 24 तक कोल्ड डे की चेतावनी, घना कोहरा भी होगा, पटना सहित कई जिलों में छूटेगी कपकपी। ठंड से कपकपा रहे बिहार वासियों को 24 दिसंबर तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। मंगलवार को भी पटना सहित पूरे प्रदेश में दिन भर ठंडी हवाओं के थपेड़े से लोग बेहाल रहे। 5 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी हवा चली, हालांकि दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिली, शाम होते होते फिर कनकनी बढ़ गई। मंगलवार को भी सूबे में सबसे ठंडा गया रहा, यहां का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया। सोमवार को भी यही स्थिति थी। पटना में भी न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री रहा, हालांकि दोनों जगहों पर दिन के तापमान में 2 से 5 डिग्री तक वृद्धि हुई, यह धूप खिलने की वजह से हुआ। पटना का अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री रहा, जो सोमवार को 17.8 डिग्री था। वहीं गया में दिन का तापमान 22 डिग्री रहा। दिन में आसमान साफ रहने के कारण रात में कोहरे की संभावना बढ़ गई। 24 दिसंबर तक घना कोहरा की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। सीएम नीतीश ने कहा, युवाओं को और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करें, अध्यापक नई तकनीक के प्रति अपडेट रहें।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि युवाओं को और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें ताकि छात्रों की दक्षता में वृद्धि हो सके, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। युवाओं को रोजगार में मदद करने के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना, युवाओं को कंप्यूटर संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया गया है। इस व्यवस्था को और सुदृढ़, व्यापक और आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक आणे मार्ग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा श्रम संसाधन विभाग की समीक्षा की और कई निर्देश दिए। खासकर मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 के तहत किए जाने वाले कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में जानकारी दी गई है कि पॉलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को डिप्लोमा शिक्षा के साथ साथ संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ है। इससे विद्यार्थियों का बेहतर प्लेसमेंट हुआ है, यह खुशी की बात है। बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को लेकर सीएम नीतीश की पहल, केंद्र सरकार को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने एवं महाकवि विद्यापति के नाम पर एयरपोर्ट का नामकरण करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखी पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट की आधारभूत संरचनाओं का और विकास एवं यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि 24 दिसंबर 2018 को एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण विद्यापति एयरपोर्ट करने का प्रस्ताव दिया था। तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने इस पर सहमति भी दी थी, लेकिन प्रस्ताव अभी तक लंबित है। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंचे दिल्ली, आज राष्ट्रपति से की मुलाकात, कल पीएम मोदी से होगी बात। बिहार की नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी ने बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात की। बुधवार को उनकी मुलाकात केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी होगी। 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए दोनों उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात गुरुवार को होगी। संगठन के नेताओं से भी दोनों की मुलाकात तय है। आगे दोनों का बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय जाने का भी कार्यक्रम तय है। कृषि कानून किसानों को भिखारी बना देगा, तेजस्वी ने कहा 29 दिसंबर को लेफ्ट के राजभवन मार्च को राजद समर्थन देगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कृषि कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कृषि को निजी किया जा रहा है, कृषि बिल में कई कमियां हैं। एपीएमसी की मंडी को 2016 में बंद करवा दिया गया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में किसानों की प्रति परिवार आय सबसे नीचे है। इस मामले में झारखंड भी बिहार से आगे है। 29 दिसंबर को लेफ्ट की पार्टियों का राजभवन मार्च है, उसे हमारा समर्थन है। किसानों के मामले में चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस, सभी को हमारा समर्थन है। हम किसानों के मुद्दे पर साथ हैं। बुधवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने कहा कि रेलवे, बीएसएनएल के अलावा कई प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। बिहार में सरकार धान खरीद का टारगेट पूरा नहीं कर पा रही है कि सरकार किसानों के धान नहीं खरीद पा रही है। बिहार सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली है, नीतीश कुमार इस पर चुप हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए बिहार के जूनियर डॉक्टर्स, अस्पतालों में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। बुधवार को एक बार फिर से बिहार के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच समेत राज्य भर के मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों ने यह हड़ताल स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर की है। बुधवार सुबह 7 बजे से ही सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। पीएमसीएच के जेडी अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र कुमार के ऐलान के बाद पीएमसीएच, एनएमसीएच समेत राज्य के सभी 9 मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो गई है। सुबह से ही ओपीडी और इमरजेंसी ठप हो गया है और सिर्फ कोविड ड्यूटी जारी रखी गई है। जेडीए की माने तो 2017 में ही राज्य सरकार ने हड़ताल के बाद भरोसा दिया था कि हर 3 साल में स्टाइपेंड की राशि में बढ़ोतरी होगी, लेकिन 2020 खत्म होने को है और अब तक स्टाइपेंड की राशि नहीं बढ़ाई गई है। इसके बाद सभी हड़ताल पर चले गए हैं। जेडीए को रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है और मांगों को जायज बताया है। बिहार में कोरोना संकट में इंटरसिटी एक्सप्रेस बनी स्पेशल ट्रेन, 4.5 लाख बीपीएससी कैंडिडेट्स की बढ़ी मुश्किलें।
बिहार में कोरोना संकट के दौरान लागू लॉकडाउन में प्रवासियों को वापस लाने के लिए ट्रेन सेवा शुरू की गई थी। आज भी कोरोना संकट के बावजूद ट्रेन सर्विस जारी है। इसी बीच कोरोना संकट में बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। मंगलवार तक कुल 4.50 लाख से 3.80 कैंडिडेट्स ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया था। दूसरी तरफ एग्जाम सेंटर 300 से 400 किलोमीटर दूर है। इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन बनकर चल रही है। कृषि बिल के विरोध में धरने पर बैठे किसान जनतंत्र समाज के सदस्य केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। 28 दिनों से दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन की आंच अब बिहार में भी दिखने लगी है। आंदोलन के समर्थन में मसौढ़ी के किसान जनतंत्र समाज के लोगों ने अनुमंडल कार्यालय के बाहर उपवास के साथ धरना दिया। धरने पर बैठे लोग बिल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान मोदी और भाजपा को उद्योगपतियों का समर्थक करार दिया। धरने पर बैठे किसान नेता उमेश शर्मा का कहना था, भाजपा किसान आंदोलन को विपक्ष की साजिश कह रही है, जो पूरी तरह से गलत है। सही मायनों में यह किसानों का आंदोलन है। विपक्ष सिर्फ उनकी मांगों के साथ खड़ा है। इस आंदोलन ने केंद्र की मोदी सरकार की हकीकत लोगों के सामने ला दी है। दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक गंगा पथ चालू कराने की कवायद। बिहार की बहुप्रतीक्षित गंगा पथ परियोजना को पूरा करने को लेकर आज पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने दौरा किया और चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि एक वर्ष से योजना में कुछ वजह से कार्य नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब निर्माण से जुड़ी सभी गतिरोध दूर कर लिए गए हैं। गंगा पथ निर्माण ने रफ्तार पकड़ ली है। इस परियोजना में शुरू के 5.9 किलोमीटर में 2x9 मीटर पथ पट्टी के अलावा दोनों छोर पर 5 मीटर की हरित पट्टी एवं गंगा नदी के तरफ तट पर 5 मीटर का वॉकिंग ट्रैक का प्रावधान किया गया है। अभी तक इस परियोजना में गंगा घाट तक आधा कार्य पूरा हो चुका है तथा लक्ष्य है कि जून 2021 तक दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना को दिसंबर 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। पुलिस की निगरानी में रिम्स के यूरोलॉजिस्ट ने की लालू प्रसाद यादव की किडनी की जांच। लालू प्रसाद यादव की फोर्थ स्टेज की किडनी की जांच की गई। उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड से व्हील चेयर की मदद से कार्डियोलॉजिस्ट बिल्डिंग लाया गया। उनके परिवार के लोग लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। वे लगातार लालू की रिपोर्ट ले रहे हैं। आपको बता दें कि रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद यादव की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। उनके डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि उनकी किडनी 25% ही काम कर रही है। उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। उन्होंने कहा था कि यदि लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में जल्द सुधार नहीं होता तो उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर बता पाएंगे अब आगे क्या किया जाना चाहिए। बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए जल्द खोले जाएंगे मेगा स्किल सेंटर। बिहार विधानसभा चुनाव में इस वर्ष सबसे अधिक बड़ा मुद्दा रोजगार था और इसको लेकर विपक्ष अब तक सत्ता पक्ष पर हमलावर बनी हुई है। वहीं एनडीए की सरकार आते ही बैठकों में 20 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में पूरी तरह से जुट गई है। इसके बाद नीतीश की कैबिनेट एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले और योजना बनाने में भी लगी हुई है, जहां मुख्यमंत्री ने अब युवाओं को रोजगार देने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए जल्द ही मेगा स्किल सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। बिहार में बड़ी संख्या में रोजगार पाने के लिए नए कौशल का प्रशिक्षण लेकर अधिक से अधिक युवा रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।